जिसमें की काफी बड़ी तादाद में काफी नवीन गोयल जी के प्रशंसा में हमने ये कुछ शब्द अपने ये मातृशक्ति हम अपने भाई नवीन गोयल जी के लिए आए हुए हैं। बिना पावर के अपनी जेब तक खर्चे ला ला कर पिछले 6-7 साल से सेवा कर रहे हैं। का पानी तो नहीं हो जे कति यही सा काम है। गुरुग्राम विधानसभा जो कि और सीट में तब्दील हो गई है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के जो जिक्र है वो काफी जोरों पे चल रहे हैं। नवीन भाई बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं आपका, क्या खास बात? गुड़गावा की देवतुल्य जनता के बीच में रहे हैं। आज हमारी बहनों ने, आज मातृशक्ति ने पंजाबी समाज के आज एक कार्यक्रम रखा आशीर्वाद का, और गुड़गावा की देवतुल्य जनता का मेहरबानी है जो इतना प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम ही मेरी ताकत है, और मेरी पूंजी भी जो गुड़गावा की जनता मुझे प्रेम करती है वही मेरी पूंजी है। और ये सब हम गुड़गावा की जनता के बीच में रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं को आगे बढ़ाना, उनकी लीडरशिप को जगाना, ये मेरा शुरू से एम रहा है। नवीन भाई मारा गुप्तसूत्र दौड़ा ने बताओ था कि भाई नवीन भाई के ना केवल पंजाबी, ना केवल जाट, ना केवल ब्राह्मण, ना केवल बनिए, ना केवल कोई भी समाज, वो 36 बिरादरी के नेता जो है वो नवीन गोयल को बताया जाने लग रहा है। कौन सी गुट्टी पे है वो कर्म के आधार पे बनाई थी। आदमी की सिर्फ एक जाति है इंसान, और इंसान को अच्छा होना चाहिए। नेता आदमी वो चाहता है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चल सके, जो काम की बात को कर सके, जो सबके सुख दुख में शामिल हो। साथ के साथ स्वागत की तैयारियां करी जाने लग जी। नवीन भैया, नवीन गोयल, नवीन भैया, नवीन गोयल, नवीन गोयल। फिलहाल जो है सेक्टर 4 नवीन भैया। हाँ जी, गुड़गांव मांगे नवीन भाई सेक्टर 4 और मतदाता आपको वोट डालने के लिए हो गए तैयार। मैं गुड़गांव की जनता को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा कांच का गिलास रचेगा इतिहास और करेगा विकास। हमारा कौन सी गुट्टी पिलाई है? देखिए कांच का गिलास बहुत लक्की है। पहले सुखबीर कटारिया मंत्री जी जब चुनाव लड़े थे वो भी जीते थे। राकेश दौलताबाद जी को जब टिकट मिला था, जब वो इंडिपेंडेंट लड़े थे उनको भी कांच का गिलास था तो वो भी जीते थे, और वो इतिहास अब तीसरी बार बनने जा रहा है। नवीन भाई आपके जो जिक्रे हैं, कई सारे भाजपा के लीडर, कई सारे कांग्रेस के लीडर अपने मंचों पे से आपका जिक्र कर रहे हैं, ये कारण क्या है? कौन से राजनीतिक तिकड़मबाजी है ये? भाई सबका धन्यवाद। कोई कुछ धमका दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कुछ कह दे अच्छा बोल दे तो अच्छा, ना बोले गंदा बोल तो अच्छा। जी बिल्कुल जी, नवीन गोयल विजयी भाव, ये विजयी भाव का तिलक हुआ है, बिल्कुल लगा। रीमा छाबड़ा, कम्युनिटी सेंटर है बहुत जबरदस्त भीड़ से खचाखच भरा पड़ा है, ये भीड़ जो है वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल, ये वोट बैंक ही है हमारे, ये मातृशक्ति हम अपने भाई नवीन गोयल जी के लिए आए हुए। जी बिल्कुल, के अंदर नवीन भाई का कितने लोग इंतजार कर रहे हैं तो हम देख सको किस तरह से जो है काफी भारी संख्या में फिलहाल जो है, फिलहाल एक एक जो जनसभा है, यानी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए 11 वर्षों में लगातार कार्य किए, तो गुरुग्राम से एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो, हाँ जी, निर्दलीय प्रत्याशी रोजगार से जुड़े हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हो, जी आओ, एक निर्दलीय प्रत्याशी की इतनी बड़ी जनसभा, काम किया एक एक बरस के बाद, लेकिन अंतिम समय एक छोटा सा कार्यक्रम बहुत बड़ी रैली में तब्दील हो गया, काटने का बहुत बड़ा सहयोग है। वी सपोर्ट ऑन द नवीन गोयल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल तो है, फिलहाल जो हम देख सको किस तरह से नवीन गोयल का बहुत ही भव्य स्वागत अड़क रहा जान लग रहा है कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 4 जिसमें कि काफी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये देखो भाई, ये फूल मालाओं से वोट भी डालोगे कि नहीं? वोट भी डालोगे कि माला माला डालोगे? बिल्कुल बिल्कुल जी डालेंगे जी। ये देखो भाई, फिलहाल जो है गुरुग्राम के निर्दलीय प्रत्याशी जिनके जिक्रे जोरों पे हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं, जो प्रत्याशी हैं उनका जो जनसभाएं हैं वो लगातार चल रही हैं, पाछे देख कर ध्यान दे भाई। तो
फिलहाल जो है ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो किस तरह से एक निर्दलीय प्रत्याशी जिनका एक जबरदस्त स्वागत इस जनसभा में किया जाने लग रहा है। और चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास, तभी होगा गुड़गांव का विकास। ये डायलॉग कहाँ से लाते हो जी आप? ये डायलॉग हम शिक्षिका हैं। अच्छा जी। और शिक्षिका अपने आप ही अपनी स्वर रचना करती हैं और नवीन गोयल जी के प्रशंसा में हमने ये कुछ शब्द अपने बेसब्री से नवीन गोयल जी का जो इंतजार है। एक छोटा सा एक नुक्कड़ सभा रखी गई थी और वो बहुत बड़ी जनसभा में तब्दील होगी, क्या कहना चाहोगे? हम इस पे यही कहना चाहेंगे जनसभा तभी तब्दील हुई जब जन का साथ हुआ, जब जन का समर्थन हुआ, और जितना ज़्यादा जन का समर्थन हमें मिलेगा उतना ही ज़्यादा नवीन गोयल जी हमारे भावी विधायक के रूप में हमारे गुड़गांव में आएंगे। शिक्षिका की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे जो है वो ठोके जान लग रहे हैं और नवीन गोयल का इस कार्यक्रम में पहुँचने पर जबरदस्त स्वागत वो किया जाने लग रहा है। और फिलहाल जो है हाँ जी नवीन जी छोटी सी जनसभा थी, छोटी सी नुक्कड़ सभा थी और ये बहुत बड़े कार्यक्रम में तब्दील हो गई। गुरुग्राम के अंदर एक चाव है लोगों के अंदर, एक सिंपैथी है कि जिस आदमी ने काम किया उसका टिकट क्यों काटा। हमारा दावा नहीं था क्या? हमने पार्टी के लिए अच्छा काम किया था, लोगों के बीच में रहे थे, उस नाराजगी की वजह से लोगों में सिंपैथी भी है और लोग चाहते हैं कि अब की बार रिकॉर्ड बनाएं। ये जो गिलास है ना, गिलास नवीन भाई, इस गिलास का प्रयोग नवीन भाई इस गिलास का प्रयोग कई सारे जो है ना दूसरे वे में भी करते हैं, दारू डाल के मतदाताओं को पिलाना इस तरह का। हम शरबत पिलाएंगे, हम ठंडाई पिलाएंगे, हम प्रेम का प्याला पिलाएंगे, प्रेम का प्याला। जी जी। चलो भाई, नवीन भाई यानी कि नवीन गोयल जी के दावे हैं कि ये जो गिलास का जो चुनाव चिन्ह है बैलेट नंबर 12 चुनाव चिन्ह जो है वो गिलास का, जिसमें नवीन गोयल का दावा है अगर इसमें अमृत के प्याले जो है वो पिलाए जाओगे। फिलहाल जो है तो हम देख सको हो जो एक कम्युनिटी सेंटर जिसमें कि एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था वो एक बहुत बड़ी जनसभा में तब्दील हो गया। तो इस कार्यक्रम से तो हम अंदाजा ला सको हो कि गुरुग्राम में निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल का किस तरह से प्रभाव है। कुछ जो महिलाएं मतदाता हैं तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, के लगा आपने ये जिस ढंग से नवीन गोयल जी पहुँचे आपके पास, आपके बीच में किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? हमें तो पूरी उम्मीद है कि वो विधानसभा तक जाएंगे, चंडीगढ़ में गद्दी पे बैठेंगे। आज से नहीं है, 5 साल से उनके साथ है। अच्छा। उनका जो भी कार्य हुआ है सबसे अच्छा हुआ, बिना कुछ बने हुए, जब बिना बने उन्होंने जब इतना कार्य किया है, क्या आगे हमें उनसे उम्मीद नहीं है? पूरी उम्मीद है। बिना बने क्या क्या कर दिया इन्होंने? काम नहीं किए हैं जो नवीन भाई ने किए हैं। नवीन भाई जीतेंगे। कैनविन उन्होंने खुलवाया, रोजगार उन्होंने दिया, रोजगार महिलाओं को आगे करा। गरीबों के वो साथ है, अमीरों के तो थे ही थे, गरीबों के साथ है। उससे बड़ा नेता हमें कहाँ मिलेगा? आज तक कोई भी नेता किसी के घर तक नहीं गया। नवीन गोयल एक ऐसा है जिनके घर घर तक गए, हर चाहे वो गरीब है या अमीर है। यानी कि चुल्ला तक की दौड़ है, चुल्ला तक की दौड़ है इनकी। बिल्कुल दौड़ है, दौड़ नहीं पूरी पक्की दौड़ है। क्या लगा आपने? बहुत अच्छी है नवीन भैया, मैं चाहती हूँ वो MLA बने और बन के जाएंगे। हमारा दावा है वो बन के जाएगा MLA और हम बनाएंगे उसको। नवीन भाई जिंदाबाद, चंडीगढ़ ले जाएंगे चंडीगढ़। दो शब्द कहूंगी, नवीन गोयल को हमने जिताना है, चंडीगढ़ की गद्दी पे उनको बिठाना है। इस बार निर्दलियों की चांदी ही चांदी, तो निर्दलीय की पहली बार इस तरह के रुका रोड़ा है जी। आज तक ऐसा देखा नहीं था कभी भी जो अब नवीन भाई का देख रहे हैं हम। बहुत ही अच्छे काम किए इन्होंने, MLA बनने से पहले काम किए हैं, लेकिन बनने के बाद तो ये क्या करेंगे, बदलाव कर देंगे। बदलाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये नवीन भाई ऐसे हैं जैसे खांड की रोटी। आपने तो चाला पैर दिया, ऐसा काम करें से अब बिना पावर के अपनी जेब तक खर्चे ला ला कर पिछले 6-7 साल से सेवा कर रहे हैं। खांड का पानी तो नहीं हो जे आना कती, ऐसा काम है।